नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। और बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, मुंबई की लोकल ट्रेन के बारे में तो आपको पता ही है, दिन भर में लगभग 60 से 65 लाख लोग सफ़र करते हैं मुंबई की लोकल से। और लोकल की इतनी ज़्यादा संख्या और इतनी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की खपत सबसे ज़्यादा अगर कहीं होती है तो मुंबई में लोकल ट्रेन के माध्यम से होती है। जी हाँ, पावर सप्लाई टाटा कंपनी करती है मुंबई की लोकल ट्रेन को, लेकिन कैसे इसकी बचत की जाए इसको लेकर सेंट्रल रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। जी हाँ, टीटीवाला, कसारा और इगतपुरी स्टेशन पर आज यानी संडे को, जी हाँ, 90 किलोवाट का जो है एक सोलार पैनल जो है स्थापित किया है और इसकी मदद से ये पूरा स्टेशन संचालित होगा। इस प्रयास के द्वारा साल में 8 लाख रुपए की बचत होगी सिर्फ सेंट्रल रेलवे को, सिर्फ इन 3 स्टेशनों से, टीटीवाला, कसारा और इगतपुरी से। अंदाजा लगाइए, अगर मुंबई की तमाम उपनगरीय स्टेशनों, चाहे गोरेगांव, अंधेरी, सांदाकुछ, विले पार्ले, विरार, कहीं पर भी देवड़े, अगर इन तमाम स्टेशनों को पूरी तरह से सोलार के अंदर लाया जाए तो कितनी ज़्यादा बचत हो सकती है सरकार की इस इलेक्ट्रिसिटी की समस्या को दूर करके। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको भी लगता है कि मुंबई उपनगर में सभी जगहों पे सोलार पैनल बैठाना चाहिए, हाँ या नहीं।